हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को मेरे चैनल पर। तो दोस्तों, आप जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं, देखिए हमने ये डाइनिंग टेबल बनाने के लिए जो फट्टा हमने ज्वाइन करके रखा हुआ है इसको कुछ इस तरीके से। तो दोस्तों, इसको जो है हम आज रन्ना मारकर इसको कम्प्लीटली फिटिंग करने वाले हैं। तो और इसके जो चेयर है, डाइनिंग चेयर, वो भी हम बनाने वाले हैं। तो दोस्तों, ये हम डाइनिंग टेबल जो बना रहे हैं, ये 8 सीटर वाला डाइनिंग टेबल बना रहे हैं। तो डिजाइन नहीं है इस पर, सैंपल वाला बना रहे हैं। इसके पैर जो है वो हमने मशीन पर ले जाकर बनाकर लाया हुआ है। तो ये देखिए दोस्तों, हमने इस फट्टे को जो ज्वाइन करके रखा हुआ था, हमने इसको लेके जो है थोड़ा सा हमने रंडा मार के रख लिया कुछ इस तरीके से। और इस तरह आप जैसे देख पा रहे हैं, यहाँ पर देखिए ये सारे हमने कटिंग करके रखा हुआ है। ये देखिए पैर भी हमने यहाँ पर जो है मशीन पर बना के लेके रखा हुआ है। और दोस्तों, जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, हम इसका रंडा मार रहा हूँ कुछ इस तरीके से। तो दोस्तों, इसको हम जो है रन्ना मारकर पूरी तरह से कंप्लीट करके उसके बाद इसके फ्रेम जो है वो भी बनाने वाले हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये हमने लगभग रन्ना मारकर कंप्लीट होने वाला है। अभी ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा बाकी रह गया है। तो दोस्तों, जब तक मैं ये ख़त्म करूँ, प्लीज़ अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आप लोगों को मिलती रहे। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे हमने ये फट्टे को जो है रन्ना मारकर पूरी तरह से कर दिया है कंप्लीट। तो कंप्लीट कर लेने के बाद कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है, ये देखिए। तो अब धूप भी लग रहा है काफ़ी ज़्यादा, कड़वाहट। तो दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, देखिए हमने डाइनिंग टेबल का जो है हमने इसके साइड साइड के भी कटिंग करके जो है थोड़ा सा राउंड कर दिया है। इसके साइड पर किनारे किनारे पर जो है हमने राउंड डिजाइन बना दिया थोड़ा थोड़ा सा। तो इसका अभी सैंड पेपर मारने का काम जो है वो बाकी रह गया है। तो इसको सैंड पेपर आज नहीं मारने वाले, किसी और दिन मारेंगे। तो कुछ इस तरह से होगी। अभी चलिए, इसका जो फ्रेम है वो उसको हम तैयार करने वाले हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये देखिए हमने ये डाइनिंग टेबल का पेयर जो है वो ले लिया है, और इसके साइड के फांसी जो बोलते हैं उसको भी हमने ले लिया है। और अभी इसको जो है हम फिटिंग करने वाले हैं। तो हमने इसके दागी जो है हम ले लिया है कुछ इस तरह से, और अभी ये देखिए कुछ तरह से कटिंग करके हम जो है इसको फिटिंग करने वाले हैं। तो आज हम ये डाइनिंग टेबल के जो फ्रेम है वो फ्रेम फिटिंग करके कम्प्लीट करने वाले हैं, और इसके चेयर भी है वो हम लगभग फिटिंग करने वाले हैं 1-2 पीस। तो बने रहना वीडियो के एंड तक। तो दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, हमने ये डाइनिंग टेबल का जो चौड़ाई साइड का पार्ट जो है हमने फिटिंग कर लिया। अभी इसके लंबाई साइड में हम फिटिंग कर रहे हैं कुछ तरह से। तो यहाँ पर हम जो है कील मारने वाले हैं, देखिए। तो यहाँ पर जो है हमने लोहे के कील मार लिया है 2 इंची का। तो इसी तरह से हम मारकर जो है इसको फिटिंग कर लेंगे अच्छी तरह से। तो ये देखिए कुछ इस तरह से हमने इसको कील ठोक लिया है इसका। तो देखिए दोस्तों, कुछ इस तरह से रहने वाला है ये डाइनिंग टेबल का, डाइनिंग टेबल जो है वो। तो इस तरह से हम फिटिंग करके इसका किल जो है वो सारे लगा देंगे। तो दोस्तों, लगभग हमारा डाइनिंग टेबल का जो है वो फ्रेम बनकर पूरी तरह से हो गया है तैयार। तो कुछ इस तरह से हो गया है, हमने फिटिंग करके इसे कंप्लीट कर लिया है। और इसे नीचे देखिए, हमने वो उसका टॉप का जो फट्टा है वो हमने नीचे रखा हुआ है उसको। तो इसके जो टॉप वाला है उसको अलग कर सकता है कुछ है, हम इसके सिर्फ बना के इसको ऊपर रख देने वाले हैं। तो हमने इस टॉप का जो नीचे साइड में हम बीट मारेंगे एक, ताकि इधर से उधर ना हिले उससे उसके, इसीलिए हम इसको बीट एक मार कर रखने वाले हैं। तो अब इसका सिर्फ कलर करना का काम जो है वो रह गया है इस पर, और सेंटर पर भी मारना है। सेंटर पर मार के फिर कलर करने वाले हैं हम इसको। तो अभी चलिए, अभी ये तो हो गया है, अभी हम इसको चेयर का वो तैयार करेंगे। तो दोस्तों, जैसे हमने ये आप देख पा रहे, यहाँ पर हमने ये चेयर का ले लिया है। तो हमने ये देखिए कुछ इस तरह से फिटिंग कर रहा, हमने लगभग फिटिंग करके कंप्लीट होने ही वाला है। तो आप लोगों को दिखा रहे हैं कुछ तरह से हम फिटिंग कैसे किया इसको। तो हमने फेविकोल लगा कर जो है इसको इस तरह से लगा रहे हैं।
तो हमने पहले जो फ्रेम को सारे इसको हम फिटिंग करके रखा रख लिया था, किल नहीं मारा, और अभी जो है फेविकोल लगा कर जो है हम इसको किल मार रहा हूँ कुछ इस तरीके से। तो इसी तरह से सारे फ्रेम को जो है फिटिंग कर लेंगे हम। तो दोस्तों हमारा फ्रेम जो है सारे फेविकोल लगाकर जो है किल ठोक के लगभग हो गया है कंप्लीट। अब दोस्तों हमने अभी ये बैक साइड का ले लिया है, तो बैक साइड का जो 3.5 फीट का लंबाई है, तो उसमें हम ये बैक साइड का ये लगा रहे हैं फांसी। तो इसमें हम जो बैक साइड की तरफ भी लगा कर एक बीट पतला पतला बीट जो है 3 पीस लगा कर बनाने वाले हैं। तो दोस्तों बने रहना वीडियो के एंड तक, काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है ये वीडियो, और आप लोगों को पता चलेगा कि एक चेयर बनाने में कितना समय लगता है और क्या क्या लकड़ियों की ज़रूरत है वो भी आप लोगों को पता चलने वाला है। तो बने रहना वीडियो के एंड तक। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, देखिए हमने इसको यहाँ पर चेक करके देख रहा हूँ कि ये सही तरह से फिट होता है कि नहीं। तो दोस्तों ये देखिए, तो लगभग हो गया इसका फिटिंग सही तरह से। अब इसका हम जो है ये देखिए, ये वाला पतला बीट है, तो इसी को हम इस तरह से लगाएंगे, 3 बीट लगाने लगाएंगे इस तरह से। यहाँ पर ये देखिए हो गया है, तो इसको हम इसको इस तरह भी फिटिंग कर लेंगे अच्छी तरह से। तो ये देखिए हो गया है फिटिंग इसका। तो अब यहाँ पर जो है कुछ इस तरह से फिटिंग होने वाला है, ये देखिए लगभग हो गया है फिटिंग इसका, कुछ इसी तरह से फिटिंग होने वाला है ये। तो ये बैक साइड का हो गया ये वाला पार्ट जो है। अब इसके आगे वाला पार्ट को भी जो है यहाँ पर फिटिंग करके रखेंगे। अभी किल नहीं मारेंगे, सिर्फ हम इसको एक पीस जो है हम फिटिंग करके देखेंगे सही तरह से हुआ कि नहीं। तो दोस्तों ये देखिए हमारा चेयर जो है फिटिंग करके लगभग हो गया है कंप्लीट। तो दोस्तों ये देखिए कंप्लीट हो जाने के बाद जो है कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है ये हमारा चेयर जो है। और दोस्तों ये चेयर के जो थोड़ा थोड़ा सा ऊंचा है, ये यहाँ पर छानी का ऊपर में लगाने का जगह में जो ये इसको हम कटिंग करके बराबर करने वाले, और इसके बैक साइड में जो है वो भी इसको हम कटिंग करके जो है बराबर करेंगे। तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो बस यहीं तक था। तो दोस्तों उम्मीद करता आप लोगों को मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर देना, और दोस्तों चैनल में नहीं है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आप लोगों को मिलती रहे। तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।